दी थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर, जिनको सारी दुनिया जाने किन किन नामों से जानती है, इनके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। बस इसी अधिकार के लिए द्वारका कोर्ट के DLSA ने निपुण NGO के साथ मिलकर इन ट्रांसजेंडरों के लिए आधार कार्ड कैंप लगाया। आधार कार्ड न होने की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मैं दक्षिण पश्चिम जिला विधिक प्राधिकरण के पैनल के ऊपर निधि शुक्ला अधिवक्ता जो कि आज यहाँ पे आधार कार्ड कैंप के लिए आई हूँ और जो कि ट्रांसजेंडर के आधार कार्ड बनवाने के लिए आई हूँ और उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें लीगल एडवाइस कानूनी सलाह देने के लिए यहाँ पे आज आई हूँ क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पे, उन्हें अपने अधिकार बताने के लिए जैसे शिक्षा, कानूनी सलाह, स्वास्थ्य और उनके निवास आदि सभी के सुविधाओं को जो एक आम आदमी को मिलते हैं वही सारी सुविधा उनको दी जाती है। निपुण NGO एक संस्था है जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करती है जी। उनको अवेयरनेस के लिए, उनको कानूनी सहायता के लिए जागरूकता करना ये हमारा काम है यहाँ पर। हाँ। आज हमने इनके लिए एक आधार कार्ड का कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है यहाँ पर डालसा कोर्ट और डालसा वालों के साथ। इनको ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको कानूनी सलाह जो जितनी भी है फ्री में कानूनी सहायता मिल सकती है। आधार कार्ड और भी जो भी गवर्नमेंट आधार कार्ड से क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएगी इनको, आधार कार्ड से एक तो इनकी ID बन जाएगी, फिर इनको आगे जो भी और कुछ काम करवाना हो अपना आधार कार्ड के बाद वोटर ID, राशन कार्ड, आगे के लिए इनके लिए वो एक इनकी आइडेंटिटी है। कपा जोया जी ये बताइए कि आधार कार्ड बनने से आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? आधार कार्ड बनने से बहुत सारी फैसिलिटी मिली है, इसके हमें रूम रेंट पे नहीं मिलता जल्दी ID प्रूफ से, और बहुत सारे काम होते हैं जो बिना ID के काम नहीं होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा लगा। वेल आई वॉन्ट टू से कि अभी तक हमारी कम्युनिटी में आधार कार्ड बनाना सबसे मुश्किल काम था और इनफैक्ट आज की डेट में हम गवर्नमेंट को कुछ कहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई काम करो तो गवर्नमेंट आगे से कहती है आप तो 5 लाख की संख्या में हो पूरे भारत में, बट मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि हम 5 लाख से ज़्यादा सिर्फ दिल्ली में हैं क्योंकि हमारे आईडी कार्ड्स में मेल या फीमेल जेंडर लिखा होता है, ट्रांसजेंडर नहीं लिखा होता, और गवर्नमेंट सिर्फ सबूत मांगती है। और ये जो आधार कार्ड कैंपेन चल रहा है आई एम वेरी हैप्पी और मैं सबको अपील करती हूँ अपनी कम्युनिटी में कि वो आके ट्रांसजेंडर के अपने आईडी कार्ड्स बनाएं कि हमारी संख्या गवर्नमेंट को नज़र आए और हम देश में कुछ आगे बढ़ सकें। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, सबका अपना अपना जेंडर है और उनके मौलिक अधिकार भी। ऐसे में DLSA द्वारका थर्ड जेंडर के लिए उठाए गए ये कदम तारीफ़े काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट ABNN न्यूज़ दिल्ली।